Welcome back, my dear kids. How are you? Today, we will start our new chapter of our computer book by BrainRoot series. The name of our book is Cyber Creator Class 1. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर माउस. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ेंगे. द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग माउस, माउस को यूज करने के प्रॉपर वे को सीखेंगे. होल्डिंग अ माउस, माउस को कैसे होल्ड करते हैं. माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे. और हम पढ़ेंगे माउस एक्शंस के बारे में. बिफोर वी बिगिन, तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? जॉइन द डॉट्स टू ड्रॉ अ माउस एंड कलर द पिक्चर. आपको डॉट्स को जॉइन करना है तो आपको कौन सी पिक्चर मिलेगी? कंप्यूटर माउस की पिक्चर मिलेगी. और आपको इसमें क्या करना है? बहुत सुंदर से कलर करने हैं. कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस क्या होता है? अ कंप्यूटर माउस इज यूज टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर माउस का यूज हम करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए. कहाँ पर? कंप्यूटर पर. इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर. और इसका यूज किस लिए होता है? कंप्यूटर पर कुछ भी चीजें ड्रॉ करने के लिए भी. अ कंप्यूटर माउस हैज टू बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर. कंप्यूटर माउस में क्या होते हैं? टू बटन्स होते हैं और बीच में क्या होता है? एक स्क्रॉल व्हील होता है. द स्क्रॉल व्हील हेल्प अस टू मूव अप एंड डाउन अ पेज. स्क्रॉल व्हील की हेल्प से हम पेज को अप और डाउन करते हैं. दिस इज कॉल्ड स्क्रोलिंग. उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोलिंग कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर माउस की पिक्चर है. उसके दो बटन हैं. दिस इज लेफ्ट बटन एंड दिस इज राइट बटन. और इसके सेंटर में क्या है? स्क्रॉल व्हील है. दिस टाइप ऑफ माउस इज नोन एज स्क्रॉल माउस. तो जिस माउस में स्क्रॉल बटन होता है उसे हम कहते हैं स्क्रॉल माउस. द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग अ माउस, माउस को यूज करने का सही तरीका. तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. द माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन अ माउस पैड. माउस को हमेशा कहाँ रखना चाहिए? माउस पैड पर रखना चाहिए. Just as you sit on a chair, the mouse pad is the special seat for the mouse. जैसे आप चेयर पे बैठते हैं ऐसी माउस पैड क्या है? माउस के लिए एक स्पेशल सीट है उसकी. The button of the mouse should always point toward to the computer. माउस के बटन हमेशा किस तरफ पॉइंट होते हैं? कंप्यूटर की तरफ. The mouse should not be turned sideways. कभी भी माउस को इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए. Look at the picture below. The mouse is pointing toward the computer. आप इस पिक्चर को देखिए. माउस कहाँ पर है? कंप्यूटर की तरफ है. ये नहीं कि आप इसको इधर घुमाएं या फिर इधर घुमाएं. हमें इसे नहीं घुमाना चाहिए. एक्स्ट्रा बाइट्स. अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बाइट बताती हूँ. द कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाय. कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट किया है? डॉगल्स एंजल बर्ट ने. नाउ डेज वायरलेस माउस इज ऑल्सो अवेलेबल. इस समय क्या है? वायरलेस माउस भी अवेलेबल है. जिनके साथ वायर नहीं होती. आपने इस तरीके के माउस अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में देखा होगा और कहीं अदर शॉप्स पे, बैंक पे या फिर हॉस्पिटल में भी देखे होंगे. नाउ वी विल लर्न होल्डिंग अ माउस. अब हम पढ़ेंगे माउस को कैसे होल्ड करना चाहिए या कैसे पकड़ना चाहिए.
To hold the mouse with the right hand, follow these steps. माउस को अपने राइट हैंड से पकड़ने के लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. नंबर वन, प्लेस द पाम ऑफ योर राइट हैंड ऑन द माउस. अपने राइट हैंड की पाम को कहाँ रखिए, माउस के ऊपर रखिए. प्लेस योर थंब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द माउस. अपने थंब को लेफ्ट साइड ऑफ द माउस पे रखिए. प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. और अपने इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट माउस बटन पर रखिए. पुट योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस. और अपने मिडिल फिंगर को कहाँ रखना चाहिए, माउस के राइट बटन पे रखना चाहिए. नाउ वी विल लर्न अबाउट माउस पॉइंटर. अब हम पढ़ेंगे माउस पॉइंटर के बारे में. When we move the mouse, we can see a small arrow moving on the screen. जब हम माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो हम स्क्रीन पर एक स्मॉल एरो दिखते हैं. This arrow is called mouse pointer. इस एरो को हम क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं. The mouse pointer helps in pointing at and selecting item on monitor. Mouse pointer की help से हम monitor पर किसी भी चीज़ को point करते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको select कर सकते हैं. Now we will learn about mouse actions. अब हम पढ़ेंगे mouse actions के बारे में. A computer mouse make a clicking sound. Computer mouse में से कैसी आवाज़ आती है, क्लिकिंग की आवाज़ आती है. When you press and release a mouse button, जब आप माउस बटन को प्रेस करते हैं या उसको रिलीज करते हैं, this action is called clicking the mouse. इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लिकिंग द माउस कहते हैं. There are four mouse action. माउस एक्शंस कितने होते हैं, फोर होते हैं. कौन कौन से, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. तो कितने माउस एक्शन हुए, फोर. अब हम एक एक करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं. नंबर वन, लेफ्ट क्लिक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट क्लिक क्या होती है. व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ अ माउस, जब हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, इट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक और सिंपली क्लिक और सिंगल क्लिक. जब हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है, क्लिक की आवाज़ आती है. उसे हम सिंगल क्लिक या फिर नॉर्मल क्लिक कहते हैं. अ क्लिक इज जनरली यूज टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर. क्लिक का यूज़ जनरली हम मॉनिटर पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने में करते हैं. राइट क्लिक. अब हम पढ़ेंगे राइट क्लिक के बारे में. व्हेन वी क्लिक द राइट बटन ऑफ माउस, वंस इट इज कॉल्ड राइट क्लिक. जब हम माउस का राइट बटन एक बार क्लिक करते हैं, उसे हम कहते हैं राइट क्लिक. राइट क्लिकिंग शो अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वन कैन डू. राइट क्लिक से क्या होता है, एक लिस्ट शो होती है किसी भी काम को करने की. कौन कौन सी, अ लिस्ट ऑफ कमांड्स डेट वन कैन सिलेक्ट फ्रॉम. और उन कमांड में से हम एक कमांड को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज डबल क्लिक. अब हम पढ़ेंगे डबल क्लिक के बारे में. व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ट्वाइस वेरी क्विकली, इट इज कॉल्ड डबल क्लिक. जब हम लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी, उसे हम कहते हैं डबल क्लिक. अ डबल क्लिक इज जनरली यूज टू ओपन अ विंडो ऑन द कंप्यूटर. तो डबल क्लिक का हम यूज़ करते हैं जनरली कोई विंडो को ओपन करने के लिए, किस में, कंप्यूटर में. ड्रैग एंड ड्रॉप.
अब हम पढ़ेंगे ड्रैग और ड्रॉप के बारे में. द ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन इज यूज्ड टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ माउस. ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज हम करते हैं किस लिए? एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करने के लिए. कहाँ पर? मॉनिटर पर. मूविंग अ माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. जब हम माउस को क्या करते हैं? मूव करते हैं उसके लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए, तो उसे हम कहते हैं ड्रैगिंग. रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इज कॉल्ड ड्रॉपिंग. जब हम माउस का बटन रिलीज कर देते हैं ड्रैगिंग के बाद, उसे कहते हैं ड्रॉपिंग. लेट अस डू, तो चलिए एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं. द कंप्यूटर हैज लॉस्ट इट्स माउस. कंप्यूटर का माउस खो गया है. कैन यू हेल्प द माउस टू फाइंड द राइट पाथ टू रीच द कंप्यूटर. क्या आप माउस की हेल्प करेंगे सही रास्ते से जाकर कंप्यूटर के पास पहुंचने में? यस, आप ये एक्टिविटी जरूर करेंगे. सो दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर मैनर्स. तो चलिए पढ़ते हैं. डू नॉट यूज द कंप्यूटर फॉर मोर देन एन आवर पर डे. हमें कंप्यूटर को पूरे दिन में एक घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. लेट अस रिवाइव, तो अब हम पूरा चैप्टर जल्दी से एक बार रिवाइंड करते हैं. अ कंप्यूटर माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन कंप्यूटर. इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर माउस का यूज़ हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए और चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए करते हैं. अ कंप्यूटर माउस हैज़ टू बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर. द स्क्रॉल व्हील हेल्प अस टू मूव अप एंड डाउन पेज. दिस इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग. कंप्यूटर माउस में दो बटन होते हैं, एक स्क्रॉल व्हील होता है. स्क्रॉल व्हील की हेल्प से हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रॉलिंग कहते हैं. द माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन माउस पैड. माउस को हमेशा कहाँ रखना चाहिए? माउस पैड पर रखना चाहिए. वेन वी मूव द माउस वी सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द मॉनिटर. दिस एरो इज कॉल्ड माउस मॉनिटर. जब हम माउस को मूव करते हैं स्क्रीन पर, तो हम एक छोटा सा एरो देखते हैं. उस एरो को हम क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहते हैं. अ कंप्यूटर माउस मेक अ क्लिकिंग साउंड व्हेन यू प्रेस एंड रिलीज अ माउस बटन. दिस एक्शन इज कॉल्ड क्लिकिंग द माउस. नेक्स्ट, व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ अ माउस, इट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक और सिंपली क्लिक और सिंगल क्लिक. When we click the right button of mouse once, it is called right click. जब हम माउस के राइट बटन को एक बार क्लिक करते हैं, उसे हम कहते हैं राइट क्लिकिंग. When we click the left button twice very quickly, it is called double click. The drag and drop action is used to move an item from one position to another on the monitor with the help of mouse. तो बच्चों, अब हम देखते हैं आपने चैप्टर में कितना सीखा. उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ डैश इज यूज टू पॉइंट एट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. किसका यूज कंप्यूटर पर किसी चीज को पॉइंट करने के लिए होता है? कीबोर्ड, स्पीकर, माउस और मॉनिटर. इट इज माउस. नंबर टू, अ माउस इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन अ. माउस को हमेशा कहाँ रखना चाहिए? माउस पैड, पेपर,
बोथ ए बी और नन ऑफ दीज, हमेशा माउस को माउस पैड पर रखना चाहिए। नंबर थ्री, देयर आर डैश माउस एक्शंस, कितने माउस एक्शंस होते हैं? 3, 4, 5 और 6, देयर आर 4 माउस एक्शंस। मूविंग अ माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस इज कॉल्ड, जब हम माउस को क्या करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉपिंग, मूविंग, क्लिकिंग और ड्रैगिंग, उसे हम कहते हैं क्लिकिंग। नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, अ कंप्यूटर माउस हैज 2 बटन एंड अ डैश व्हील, कौन सा व्हील होता है? स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल व्हील। नंबर टू, व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस इट इज कॉल्ड क्लिकिंग, CLICKING, क्लिकिंग। रेस्ट ऑफ द टू यू विल रीड बाय योरसेल्फ एंड यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, इन दोनों को आप अच्छे से रीड करिए और इसके आंसर्स आप खुद लिखेंगे। नाउ द नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, तो चलिए करते हैं। अ डबल क्लिक इज जनरली यूज टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन मॉनिटर, डबल क्लिक की हेल्प से हम क्या करते हैं, मॉनिटर पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द माउस पॉइंटर हेल्प्स इन पॉइंटिंग एट एंड सिलेक्टिंग आइटम ऑन द मॉनिटर, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द नेक्स्ट वन, when we move the mouse we can see a small arrow moving on the monitor, जब हम माउस को मूव करते हैं तो हम एक छोटा सा एरो मॉनिटर पर देखते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, बताइए, उसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर, यस दिस इज ट्रू। नाउ नंबर फोर, द बटन्स ऑफ माउस शुड ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड टू कंप्यूटर, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, माउस के बटन हमेशा कंप्यूटर की तरफ ही होते हैं। नाउ नंबर डी, मैच द फॉलोइंग, अब आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करने हैं। एक बार आप चैप्टर को खुद अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस पैड, बताइए, माउस पैड इज यूज टू कीप द माउस, माउस पैड पर हम क्या करते हैं, माउस को रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन डबल क्लिक, क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफाइन राइट क्लिक एंड क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या करना है, डबल क्लिक को डिफाइन करना है कि डबल क्लिक क्या होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको क्या बताना है, आपको बताना है राइट क्लिक क्या होती है। व्हेन वी प्रेस द राइट बटन ऑफ माउस इट कॉल राइट क्लिक, जब हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं उसे हम कहते हैं राइट क्लिक। व्हाट इज ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, अभी हमने इसके बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा था, यू हैव टू रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सो माय डियर किड्स, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, माउस के बारे में पढ़ा, माउस के डिफरेंट एक्शंस के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।